जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे आपातकालीन उपबंध के बारे में। तो आपातकालीन उपबंध जो है दोस्तों, ये भारतीय संविधान की भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक इसका उपबंध किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया है कि किसी प्रकार की अगर भारत देश में अंदरूनी या बाह्य दोनों प्रकार से आपात आती है तो उसके समाधान के लिए कुछ प्रोविजन किए गए हैं। वही प्रोविजन से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है दोस्तों, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और साथ में आई बटन में भी क्लिक करके उसको देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर अगर देखे दोस्तों, तो होल पैकेज हमने आज बनाया है आपके लिए, जहां से एग्जाम के क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे। चाहे आप प्री दे रहे हो किसी एग्जाम का या आप मेंस के एग्जाम में बैठ रहे हो, तो यहाँ से प्रश्न रहते हैं और इतना जानकारी रहेगा तो आप आसानी से उसको रिटेन एग्जाम में भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रोविजन है, आप सभी जानते होंगे कि भारतीय संविधान में तीन प्रकार की आपात की व्यवस्था किया गया है। वो कौन कौन से तीन आपात है दोस्तों? एक हो जाता है आपका राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। वही दूसरा जो बात होता है दोस्तों, वो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन की बात 356 अनुच्छेद में कहा गया है, जिसे राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होने के कारण इसको घोषणा किया जाता है और इसे राज्य आपात भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विशेष रूप से राज्यों के लिए ही इसमें प्रावधान किया गया है, या संवैधानिक आपात इसको बोला जाता है, संवैधानिक तंत्रों का विफल होना। तीसरा जो बात होता है दोस्तों, होता है वित्तीय आपात, और वित्तीय आपात का भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 में इसकी उल्लेख किया गया है। ये तीनों आपात से संबंधित एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, और तो चलिए उसी को हम आज और रूप से समझेंगे कि इसमें क्या क्या वर्णन है। तो पहला चीज तो आप इसको याद रखेगा, आपातकालीन जो भारतीय संविधान में प्रोविजन किए गए हैं वो आपका आ जाएगा भाग 18, और आर्टिकल की अगर बात करें दोस्तों तो 352 से लेकर के 360 तक इसका प्रोविजन किया गया है। यहाँ पर विशेष रूप से देखिए दोस्तों, तो पहला आपका आता है राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में कहा गया है, इस अनुच्छेद को भी आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा जो आता है आपका राष्ट्रपति शासन, ये अनुच्छेद 356 में इसका जिक्र किया गया है, और 360 में कहा गया आपका वित्तीय आपातकाल के विषय में। ये अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है, इसी चलते इस अनुच्छेद का वर्णन किए हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों ये सारे एक सीक्वेंस के माध्यम से। तो पहले देखेंगे घोषणा कैसे होती है, उसका आधार क्या होता है, संसद का अनुमोदन कितने दिनों में लिया जाता है, उद्घोषणा की अवधि कितने दिनों का होता है, मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, और न्यायिक समीक्षा की बात। ये होल ओवर आप पढ़िएगा, इतनी ही चीजों को आपको जानना है। तो पहला चीज आता है दोस्तों कि घोषणा किसके द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर घोषणा लिख सकते हैं दोस्तों या उद्घोषणा कर सकते हैं। तो घोषणा करने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के पास है। ये तीनों आपात जब आती है तो तीनों अधिकार जो घोषणा करने का है वो किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। तो इसको ध्यान रखिएगा, तो घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति जो है दोस्तों, वो आपको पता होगा कि मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर ही घोषणा करती है। इसे पहले वीडियो में हम इसको बता चुके हैं। ये प्रावधान देखिए तो ये कहा गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रावधान को लाया गया था, क्योंकि इससे पहले जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उन्होंने, आपको पता होगा कि 1975 ईस्वी में आप राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं इंदिरा गांधी, और किस आधार पर? तो आंतरिक आधार के आधार पर, आंतरिक आपात के आधार पर घोषणा करती है, और इसका उन्होंने दुरुपयोग करता है, क्योंकि उस समय मंत्रिमंडल की लिखित सूचना दिए बिना ही अपने खुद प्रधानमंत्री पद का उपयोग करते हुए उन्होंने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी भेज करके गुप्त रूप से इन्होंने आपातकाल की घोषणा करवा दी थी। और यहाँ पर इसी पद का दुरुपयोग न करने के चलते यह प्रावधान किया गया 44वें संविधान संशोधन, जब जनता पार्टी की सरकार आई तो 1978 में संशोधन किया, 77 में उन्होंने चुनाव जीता और 78 में इन सारी चीजों को परिवर्तन किया। और परिवर्तन करते हुए उन्होंने कहा कि आप मंत्रिमंडल के जब तक लिखित परामर्श आपको नहीं मिल जाएगा तब तक आपातकाल की आप घोषणा नहीं कर सकते हैं। ये बात उन्होंने राष्ट्रपति को उल्लेख करते हुए संविधान में कहा।
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो समझ में आ गया हो घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति, लेकिन मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से, न कि प्रधानमंत्री के लिखित परामर्श से। तो मंत्रिमंडल में आपके प्रधानमंत्री भी आएंगे और जितने भी कैबिनेट मंत्रियां होती हैं सभी आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरा आता है आपका राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन कब होता है? तो राज्यों में जब संवैधानिक तंत्रों का विफल हो जाना, यानी कि वैसे चीजों को हम लोग बोल सकते हैं जो केंद्र के निर्देशों का अनुपालन राज्य नहीं कर पाती है, या वहां पर कोई ऐसी प्रावधान हो जाती है जो सरकार बनाने के सक्षम नहीं हो पाते हैं कोई भी पार्टी, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के अनुमोदन पर राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देते हैं। कोई भी पार्टी का चुनाव होता है दोस्तों, तो चुनाव के दौरान यह प्रावधान है कि आपको एक बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। बहुमत सिद्ध करने के बाद जो आपका पार्टी वहां पर समर्थन देगा, तो समर्थन में जो पार्टी होगी उसी को सरकार बनाने का अधिकार होता है, और वो एक किस चीज को सूचना कहां देते हैं? तो राज्यपाल को देते हैं। अगर वो राष्ट्रपति के द्वारा अगर वही अधिकार पत्र का उपयोग नहीं कर पाते हैं आपके जो पार्टी बनाने का, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वहां पर घोषणा कर देती है राष्ट्रीय यानी राष्ट्रपति शासन का। राष्ट्रपति शासन करने का घोषणा का आधार यही है दोस्तों कि आपका वहां पर शासन तंत्र का विफल हो जाना, केंद्र के निर्देशों का पालन न हो जाना, संवैधानिक तंत्रों का उल्लंघन करना, तो ऐसी स्थिति में वहां पर देखा जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। ये हो गया आपका प्रस्थान राष्ट्रपति शासन लागू करने का। दूसरा चीज हो जाता है आपका यहाँ पर आगे वित्तीय आपात। वित्तीय आपात कब घोषणा किया जाता है दोस्तों? तो जब देश की वित्तीय स्थिरता हो जाती है, यानी कि यहाँ पर जो वित्तीय संकट आ जाती है, यहाँ पर खजाना आपका खाली हो जाता है। वित्तीय संकट मतलब होता है दोस्तों कि धन से संबंधित कमी, और धन के संबंधित कमी आने पर वहां पर राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि देश की वित्तीय स्थिरता अथवा शाह की खतरे की कमी के कारण आप इसको घोषणा कर सकते हैं वित्तीय आपात की, और इसकी घोषणा क्या कर सकते हैं दोस्तों कि राज्यों में जब संवैधानिक तंत्रों का विफल होना, या कोई सरकार वहां पर नहीं बना पाना, किसी सरकार का बहुमत सिद्ध नहीं हो पाना, तो ऐसी स्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, तो जो राष्ट्रीय आपात है तीन आधार पर घोषणा होती है। पहला हो जाएगा आपका युद्ध के आधार पर, दूसरा हो जाएगा बाह्य आक्रमण के आधार पर, और तीसरा हो जाएगा आपका सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ये सशस्त्र विद्रोह जो है दोस्तों, इस शब्द को भी जोड़ा गया है आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इससे पहले यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह के जगह में प्रयोग होता था आंतरिक अशांति। अब आंतरिक अशांति शब्द संदिग्ध था, क्योंकि आंतरिक अशांति मतलब किस प्रकार का शांति वहां पर उल्लेख नहीं था, इसलिए इसको भी वर्ड को परिवर्तित कर दिया गया और इसके जगह में कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह। तो यहाँ पर तीन आधार पर घोषणा होगा। पहला हो जाएगा युद्ध के आधार पर, यानी कोई दूसरे देश के द्वारा भारत में अगर युद्ध का घोषणा कर देता है, युद्ध होने लगता है, वैसी स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार है कि आप यहाँ पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दें। दूसरा हो जाएगा दोस्तों कि बाह्य आक्रमण। तो बाह्य आक्रमण में अगर बात करें दोस्तों, तो किसी प्रकार के बाह्य आक्रमण हो सकता है, इन दूसरे देश के द्वारा बीमारी का आक्रमण, बहुत सारे चीजें हैं। तो यहाँ पर वैसी स्थिति में भी आप राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया संविधान के द्वारा कि यहाँ पर देश में आप घोषणा कर सकते हैं किस चीज का दोस्तों, तो राष्ट्रीय आपात की। तो तीन आधार पर, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है। सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया है। इससे पहले इसके लिए यहाँ पर आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग होता था। यहाँ पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होने के आधार पर यहाँ कहा गया दोस्तों कि देश की वित्तीय स्थिरता तथा शाह के खतरे के कारण। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों संसद का अनुमोदन, यानी कि इसको घोषणा करेंगे तो संसद से स्वीकृति लेने पड़ेगी राष्ट्रपति को, जब ये घोषणा कर देते हैं उसके बाद। तो एक समय दिया हुआ है, उसके अंदर आपको संसद के द्वारा अनुमोदित लेना पड़ेगा, अन्यथा जो आप घोषणा किए हैं वो निरस्त माना जाएगा। तो यहाँ पर यह प्रावधान किया गया दोस्तों कि आप अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं तो आप एक माह के भीतर आपको इस चीज का अनुमोदन संसद के द्वारा कराना होगा। यहाँ पर यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपात के द्वारा, राष्ट्रीय आपात की आप घोषणा करते हैं तो
तो घोषणा के बाद आपको संसद के द्वारा आपको एक माह का समय दिया गया है, उसके द्वारा आपको अनुमोदन कराना होगा। और अनुमोदन भी कैसे कराना होगा दोस्तों, तो विशेष बहुमत से अनुमोदन कराना होगा। यहाँ पर विशेष बहुमत की प्रावधान भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। इससे पहले जो था दोस्तों वो साधारण बहुमत से इसको पास किया जाता था। तो साधारण बहुमत और विशेष बहुमत जो है दोस्तों वो क्या होता है आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो बस यही समझ लीजिए कि विशेष बहुमत मन होता है कि टोटल जितने आपके सदस्य हैं, अगर जैसे भी 545 सदस्य हैं तो 545 सदस्यों का आपका बहुमत यानी कि लगभग 273 शब्दों के द्वारा आपको समर्थन मिलना चाहिए। अन्यथा उस दिन जितने वोट देने वाले लोग हैं, उस दिन जितने उपस्थित हैं, उसका 2/3 आपको वोट पड़ना चाहिए यानी समर्थन उस दिन मिलना चाहिए, तो हो जाएगा विशेष बहुमत। साधारण बहुमत में होता है कि उस दिन जितने लोग उपस्थित हैं, सदन चल रहा है और सदन में जितने लोग उपस्थित हैं तो उसके आधार पर उस दिन बहुमत जिसका हो जाएगा उसी दिन बोला जाता है वो बिल पास हो जाता है, उसको बोला जाता है साधारण बहुमत। तो यहाँ पर समझ गए, तो विशेष बहुमत से आपको एक महीना के भीतर पास कराना होगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। लेकिन ऐसी स्थिति है दोस्तों कि जब लोकसभा आपकी उस समय नहीं चल रहा हो यानी कि लोकसभा विघटन हो, तो ऐसी स्थिति में कहा गया है दोस्तों कि आप राज्यसभा से अनुमोदन करा लीजिए। लेकिन कितने दिनों के अंदर कराने का निश्चित किया गया है, एक माह के अंदर। अगर एक माह के अंदर आप राज्यसभा से अनुमोदन नहीं कराते हैं तो ये आपका जो घोषणा की है राष्ट्रीय आपात की वो निरस्त माना जाएगा। और अगर एक माह के अंदर अगर राज्यसभा इसकी पुष्टि कर देती है तो वैसी स्थिति में संसद जब पहली बार बैठेगी यानी कि नया संसद का चुनाव हो गया यानी कि लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के जितने मेंबर आए तो पहली बैठक शपथ ग्रहण होती है, तो शपथ ग्रहण के बाद जो बैठक होगी तो उस दिन से गिना जाएगा 30 दिन तक। अब 30 दिन के अंदर है आपको लोकसभा से अनुमति लेना होगा, और कैसा अनुमति, तो विशेष बहुमत से अनुमति लेना होगा। तो ये प्रावधान आपके हैं आपका संसद के अनुमोदन का। इससे पहले देखिए दोस्तों तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही एक माह का प्रावधान किया गया है। इससे पहले प्रावधान था कि 2 माह। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि 44वें संविधान संशोधन से पहले राष्ट्रीय आपात के संबंधित कितने महीनों के भीतर आपके संसद से स्वीकृति लेनी पड़ती थी, तो वहां पर हो जाएगा 2 माह के भीतर। और ऐसे आपके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह कह दिया गया कि आपको 1 माह के अंदर आपको लेना है। ये तो हो गया दोस्तों राष्ट्रीय आपात से आपको 1 माह के अंदर लेना है। लेकिन राष्ट्रपति जब शासन लागू होगा तो ऐसी स्थिति में आपको संसद से कितने दिनों के अंदर अनुमोदन लेना होगा, तो यहाँ पर कहा गया है दोस्तों कि 2 माह के भीतर आपको इसकी अनुमति लेना होगा। और ये भी अनुमति कैसा होगा दोस्तों, तो साधारण बहुमत से लिया जाएगा। और यहाँ पर भी वही प्रावधान है दोस्तों कि लोकसभा अगर विघटन हो तो ऐसी स्थिति में आप राज्यसभा से 2 माह के भीतर आप अनुमोदन करा लीजिए। और अगर जब भी लोकसभा अगली बार बैठेगी तो बैठक के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिन के भीतर आपको लोकसभा से साधारण बहुमत से पास कराना होगा। तो ये जो प्रोविजन है दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया है सब चीजों को, आप उसको देख लीजिएगा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे दोस्तों कि यहाँ पर कितने दिनों का बात कहा गया दोस्तों, यहाँ पर कहा गया आपका 2 माह। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, राष्ट्रीय आपात 1 माह, राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन 2 माह के भीतर। यहाँ पर यह प्रावधान किया गया दोस्तों कि साधारण बहुमत से, यहाँ पर कहा गया विशेष बहुमत से। अब चलिए हम लोग सोचते हैं वित्तीय आपात में, वित्तीय आपात में भी यह प्रावधान किया गया कि आपको कितने माह के अंदर अनुमोदन लेना है संसद से, तो 2 माह के अंदर लेना है। यहाँ भी वही प्रावधान है कि 2 माह के अंदर उस समय अगर विघटित होती है लोकसभा, उसको बिना स्वीकृति दिए, या उस समय लोकसभा सत्र नहीं चल रहा हो, या और कारण हो सकते हैं कि लोकसभा का विघटन हो गया हो, उस समय चुनाव की प्रक्रिया हो, ऐसी कुछ भी चीजें हो, तो जब भी लोकसभा पहली बार बैठेगी तो पहली बैठक से अगले 30 दिनों तक यानी 30 दिन के भीतर यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर अनुमोदन लेना होगा। यानी अनुमोदन तो 2 माह में लेना है, लेकिन जब पहली प्रथम बैठक होगी लोकसभा से, तो लोकसभा से उस बार से आपको 30 दिन ही गिना जाएगा, और 30 दिन प्रथम बैठक के अंदर आपको लोकसभा की स्वीकृति लेनी होगी, तब ये बात जो है आपका वित्तीय आपात लागू रहेगा। यही प्रोविजन ये तीनों में लागू होते हैं। बस बदलाव यही है दोस्तों की यहाँ पर विशेष बहुमत से, यहाँ पर साधारण बहुमत से, और यहाँ भी कहा गया कि साधारण बहुमत से पास होना चाहिए।
यहाँ पर एक माह की बात कहा गया है राष्ट्रीय आपात में, राष्ट्रपति शासन में कहा गया है दो माह के समय लिए हैं, और वित्तीय आपात में भी कहा गया है दो माह। ये दो माह का प्रोविजन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, इससे पहले सभी में दो दो माह ही थे। अब हम लोग बात करेंगे उद्घोषण की अवधि। उद्घोषण की जो अवधि होगी दोस्तों ये कितने दिनों का होगा, तो एक बार जब राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषण हो जाता है और संसद स्वीकृति इसको दे देती है तो यहाँ पर ये 6 माह तक लागू रहेंगे। 6 माह के बाद इसको भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह कहा गया दोस्तों कि इसको बढ़ाने के लिए इसको 6-6 माह में आपको फिर से अनुमोदन कराना होगा, और अनुमोदन का प्रोसेस वही है कि अगर लोकसभा विघटन है तो लोकसभा जब भी पहली बार बैठेगी तो उसकी प्रथम बैठक से 30 दिन के भीतर आपको अनुमोदन कराना होगा, और उसके बीच में जो है आपको राज्यसभा की स्वीकृति लेकिन ले लेनी होगी। यह प्रावधान किया गया है यहाँ पर भी, तो अनुमोदन का सेम प्रोसेस है। तो यानी कि एक बार अनुमोदन अगर लोकसभा और राज्यसभा कर देती है तो आपको कितने दिनों तक, 6 महीना तक लागू रहेगा, और फिर वैसे ही अगर अनुमोदन बार बार करते रहेगी संसद तो आपको 6-6 महीना करते हुए इसको अनिश्चित काल तक यानी अनंत काल तक इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, जब तक आपके यहाँ राष्ट्रीय आपात लागू है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन भी एक बार अनुमोदन होने के बाद संसद से कितने दिनों तक लागू रहेंगे दोस्तों, तो ये आपका लागू रहेगा 6 माह तक। 6 माह तक लागू रहेगा, या अधिकतम कितने दिनों तक इसको बढ़ाया जा सकता है, तो अधिकतम किसी भी राज्य में आप 3 वर्ष तक ही बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यह भी प्रावधान किया गया कि आप जब अनुमोदन कर देते हैं तो 6 माह तक, लेकिन इसको अधिकतम कितना दिन बढ़ा सकते हैं तो 3 वर्ष तक। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि आप 6 माह तक अनुमोदन एक बार करके बढ़ा दिए तो इसको आप 1 वर्ष तक ही बढ़ा सकते हैं, यानी फिर से आप अनुमोदन करके 1 वर्ष तक बढ़ाइए। 1 वर्ष के बाद आपको जो है यहाँ पर 2 चीजों की पुष्टि करनी पड़ेगी। 2 चीजों अगर यहाँ पर राष्ट्रपति को पुष्टि हो जाती है इसके बाद ही इसको 3 वर्ष तक अधिकतम बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में फिर इसको 3 वर्ष आगे हम नहीं बढ़ाएंगे। तो 3 वर्ष बढ़ाने के पहले दोस्तों 1 वर्ष जब हो जाती है राष्ट्रपति शासन का किसी भी राज्य में तो 2 चीजों का कन्फर्म करना पड़ता है। पहला चीज ये कि अगर पूरे देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो, यानी पूरे देश में किसी प्रकार का आपात लागू हो, तो ऐसी स्थिति में वहां पर चुनाव कराना संभव नहीं है। दूसरा प्रावधान, या उस राज्य में ऐसी स्थिति है कि आपात से संबंधित प्रावधान लागू हैं, या उस राज्य के किसी क्षेत्र में आपात से संबंधित कुछ प्रावधान लागू हैं, तब उस क्षेत्र में चुनाव कराना संभव नहीं है। ये अगर राष्ट्रपति चीज की पुष्टि कर देते हैं तो वहां स्थिति में इसको 3 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को। दूसरी प्रावधान यह है दोस्तों कि दूसरा ये चीज कि वहां पर निर्वाचन आयोग यह लिखित रूप से दे दे कि वहां पर चुनाव कराना अभी संभव नहीं है, वहां की स्थिति राज्य को यानी राज्य की ऐसी स्थिति है कि चुनाव कराने योग्य नहीं है। अगर ये बातें लिख करके राष्ट्रपति को दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में आप 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, यानी कि 2 प्रोविजन रखे गए हैं, एक तो राष्ट्रीय आपात लागू हो तब इसको बढ़ा सकते हैं, दूसरी यह जब चुनाव आयोग लिख करके दे दे, निर्वाचन आयोग लिख करके दे दे कि वहां पर चुनाव कराना अभी संभव नहीं है, वहां की स्थितियां ठीक नहीं है, चुनाव कराने योग्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप इसको 1 वर्ष से बढ़ा करके 3 वर्ष कर सकते हैं। अब यह 1 वर्ष वाला प्रावधान भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही लाया गया। अब दूसरा होता है दोस्तों वित्तीय आपात। वित्तीय आपात की भी बात अगर करें दोस्तों तो यह एक बार लागू होता है, अब एक बार लागू होने के बाद यह अनिश्चित काल तक लगा रहता है, इसके लिए बीच में संसद से स्वीकृति लेने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्रिमंडल जब तक इच्छा रहेगी, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहेगी तब तक ये लागू रहेगा, जब तक आपके यहाँ वित्तीय स्थिति ठीक नहीं हो जाती है, और जैसे ही वित्तीय स्थिति ठीक हो जाएगी इसको राष्ट्रपति तुरंत उद्घोषण करके दूसरी उद्घोषण के द्वारा इसको समाप्त कर देगी। उसी प्रकार समाप्ति का प्रावधान सेम है दोस्तों, तो समाप्ति के प्रावधान यह कहा गया है कि यहाँ पर अगर देखें तो राष्ट्रपति तीनों की घोषणा करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आपात की घोषणा की समाप्ति का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन यहाँ पर संसद को भी अधिकार दिया गया है, वो भी इस अधिकार के द्वारा
यहाँ पर राष्ट्रीय आपात को समाप्त कर सकती है। तो अधिकार है दोस्तों कि अगर संसद की 1/10 सदस्य यानी कि 1/10 सदस्य यानी कह सकते हैं आप 55 सदस्य अगर लोकसभा अध्यक्ष को लिखित रूप से यानी लोकसभा के जितने मेंबर हैं उसके 10% लोग लोकसभा के अध्यक्ष को एक लिखित पत्र दे देंगे समाप्ति के लिए, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर देखें तो एक विशेष यहाँ पर बुलाया जाएगा सत्र और सत्र के दौरान इसकी चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद अगर साधारण बहुमत से पास कर दिया जाएगा तो उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जब उसको घोषणा करनी होती है तो विशेष बहुमत की जरूरत होती है, लेकिन जब समाप्त करनी होती है तो संसद के साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। और मान लीजिए उस समय लोकसभा का अध्यक्ष नहीं हो, सत्र नहीं चल रहा हो, तो वो अगर लिखित लेटर जो 10 लोगों की स्वीकृति है, अरे 10% लोगों की यानी 55 लोगों का, तो 55 लोकसभा के जो सदस्य हैं वो लेटर अध्यक्ष को ना देकर के वो डायरेक्ट राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों तो राष्ट्रपति एक विशेष सत्र बुलाएंगे और सत्र के दौरान इस चीजों की वहां पर चर्चा करवाएंगे और चर्चा के बाद अगर इसे साधारण बहुमत से पास कर दिया जाएगा तो राष्ट्रीय आपात आपकी समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर संसद वाला ये अधिकार भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही दिया गया है, क्योंकि इससे पहले जो है दोस्तों इंदिरा गांधी के द्वारा इसको इतना दुरुपयोग किया गया था, इसके चलते जब जनता की सरकार आई थी इसमें बहुत कुछ परिवर्तन कर दी। तो आपको पता होगा कि 42वें और 44वें में लड़का लोग बड़ा कंफ्यूजन होते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि सरकार बनी 77 में। अब आपको पता होगा 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था, और आपको 44वां की बात करें तो 78 में हुआ था, तो 77 में जब बनी ही तो 42 कैसे हो सकता है, तो आपको वहां पर कंफर्म रहिएगा 44। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बस 42 में आपको यहां से एक ही प्रश्न फंसाएगा। 42वें संविधान संशोधन में यह कहा गया था कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि पूरे भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में या बोलना चाहिए राज्य के किसी क्षेत्र में या कोई अल्प जगह यानी छोटा सा जगह में भी राष्ट्रीय आपात या जो आपात बंद की घोषणा कर सकती है। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा छोटी जगह पूरे भारत देश या राज्य में किसी भी क्षेत्र में कर सकती है, यह प्रावधान जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन से एक ही बात पूछा जाएगा कि जो घोषणा का अधिकार है राष्ट्रपति का वो क्या किसी एक क्षेत्र के लिए है, पूरे क्षेत्र के लिए है या पूरे भारत देश के लिए है। तो यहाँ पर ऑल ओवर आप टिक कर लीजिएगा सभी के लिए, यानी राष्ट्रपति का अधिकार के छोटा भी क्षेत्र, उससे बड़ा क्षेत्र या पूरे भारत के लिए भी घोषणा कर सकती है। यही बस आपको पढ़ना है पूरे आपातकालीन उपबंध में 42वें संविधान संशोधन अगर पढ़िएगा तो, और बाकी 44वें सारा जगह 44वें और एक जगह आपका 38वां संविधान संशोधन आता है उसको भी हम उल्लेख करेंगे। अब बात हम लोग करते हैं दोस्तों कि मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा समझिएगा दोस्तों कि यहाँ पर संसद के साधारण बहुमत से इसको समाप्त किया जाएगा, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन की समाप्ति की बात होगी तो यहाँ पर देखें तो संसद की जरूरत नहीं होती है, राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर इसको समाप्त करती है। यहाँ पर भी इसी प्रकार इसको भी राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर ही समाप्त करती है, यहाँ पर संसद की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो मौलिक अधिकार की बात, मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है। तो अगर राष्ट्रीय आपात घोषणा होगा दोस्तों तो आपको यहाँ पर कहा गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके पूरा प्रभावित हो जाता है। आपकी जो भी आप 12 से 35 तक पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जितने आपके दिए हुए हैं तो अगर राष्ट्रीय आपात घोषणा होती है तो आपके सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि आप अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में इसको समाप्त नहीं कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति किसी भी परिस्थिति में 20 और 21 को समाप्त नहीं कर सकता है, इसके लिए आपको न्यायालय की शरण में जाने के लिए स्वतंत्र है। बाकी अनुच्छेद हो गया तो आपको पता होगा कि युद्ध और बाहर आक्रमण के आधार पर टोटल जो आपके आर्टिकल है 20 और 21 को छोड़ करके वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपको पता होगा दोस्तों कि जो 19 अधिकार आपको दिया गया है आर्टिकल 19 वो आपका लागू रहता है। तो इस तरह से कुछ प्रावधान है,
यानी कि जब आपके सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपको बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता को यहाँ पर राहत दिया गया है एबी 44 संविधान संशोधन के द्वारा, तो इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसमें पूरे अनुच्छेद प्रभावित होते हैं सिर्फ 20 और 21 को छोड़ करके। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर राष्ट्रपति शासन लागू है, अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के शरण में जा सकते हैं, अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं। यहाँ पर मौलिक अधिकार का आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से जब वित्तीय आपात लागू होता है, तभी आपका मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपका अगर सरकारी आप बड़े ऑफिसर हैं, बड़े ग्रेड के हैं, तो आपके सभी लोगों का छोटे से बड़े तक का भी वेतन सिर्फ काटा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं, यहाँ भी कोई प्रभाव नहीं, लेकिन जब ये घोषणा होती है तो 20 और 21 के छोड़ करके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों न्यायिक समीक्षा, यानी कि आपकी न्यायिक समीक्षा के दायरे में ये जितने आप आपातकाल घोषित कर रहे हैं राष्ट्रपति, तो उसका एक समीक्षा किया जा सकता है, यानी जांच पड़ताल किया जा सकता है कि किस आधार पर घोषणा की, क्या इसमें बात थी और क्या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि आप इसको यहाँ पर लागू किए हैं, यानी कि न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा गया। तो आपको देखिए, जब 38वां संविधान संशोधन आया था 1975 में, तो इंदिरा गांधी बहुत चनाकी की थी। इंदिरा गांधी ने 38वें संविधान संशोधन 1975 में जब आपातकाल लागू करने वाले थे, तो उससे पहले संशोधन कर लिए थे, और इनके द्वारा कहा गया था दोस्तों कि तीनों जो आपात हैं इसको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जाए। यानी तीनों आपात, यहाँ पर राष्ट्रीय आपात की हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन की भी और वित्तीय आपात की भी, ये तीनों को इसे बाहर रखा गया, यानी कि यहाँ पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। 38वें संविधान संशोधन 1975 में बात कह दिया गया, लेकिन यहाँ पर देखें तो 44वें संविधान संशोधन जब जनता सरकार की आई, तो जनता सरकार ने यह निर्णय किया कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया दोस्तों कि यहाँ पर 20 और 21 के जो भी आपके आर्टिकल हैं, 20 और 21, तो 20 और 21 को लाया जाएगा न्यायिक समीक्षा के अंदर, यानी कि यहाँ पर इसके शरण में आप जा सकते हैं। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि न्यायिक समीक्षा का प्रावधान 44वें संविधान संशोधन से यह कहा गया कि न्यायिक समीक्षा से राष्ट्रपति से बाहर नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति जो घोषणा की उसको न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात में आपका अनुच्छेद 20 और 21 को लाया गया, और राष्ट्रपति जो शासन हुआ दोस्तों, तो राष्ट्रपति शासन को इसमें भी पूरे राष्ट्रपति शासन को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, किस आधार पर और किस आधार पर नहीं। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि बहुत बार ऐसा हुआ कि जब जनता की सरकार बनी पहली बार, तो उन्होंने 9 जो कांग्रेस शासित राज्य थे वहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दिया, और उसी प्रकार से जब फिर से इंदिरा गांधी की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार आती है, तो कांग्रेस की सरकार जब आती है तो उन लोग भी यही करते हैं कि जो जनता पार्टी की दूसरे पार्टी की जो सरकार होती है, तो वहां पर उन लोग भी राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। बड़ा ही विवादित रहा है राष्ट्रपति शासन, लेकिन अब इसमें कुछ सुधार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो इसको भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत अब ला गया है, कि न्यायिक समीक्षा उसकी जांच पड़ताल की जा सकती है राष्ट्रपति शासन की। और वित्तीय आपात की बात करें, तो वित्तीय आपात को भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे में इसको भी लाया गया है। अब यहाँ पर बात, एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपात अभी तक कितने बार घोषणा की गई है। तो राष्ट्रीय आपात आपको पता होगा कि ये अभी तक मात्र 3 बार घोषणा की गई है, ये 3 बार घोषणा की गई है, 2 बार बाह्य आधार पर यानी युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर 2 बार, और 1 बार सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक अशांति के आधार पर। सशस्त्र विद्रोह मतलब समझ सकते हैं दोस्तों कि आंतरिक अशांति यानी अंदर की आपातकाल, यानी आंतरिक आपातकाल इसको कह सकते हैं। तो इसको समझिएगा, जब भी सशस्त्र विद्रोह आएगा यानी कि इसको बोलेंगे आंतरिक आपातकाल, और जो युद्ध और बाह्य आक्रमण होता है इसको कहते हैं बाह्य आपातकाल। ये दोनों को बाह्य रखा जाता है और सशस्त्र को आपका रखा जाता है अंतरिम, यानी कि अंतरण यानी अंदर की, यानी कि देश में सशस्त्र विद्रोह होता है तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है दोस्तों इसको आंतरिक आपातकाल, और दोनों जब घोषणा होती है तब कहा जाता है बाह्य आपातकाल। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर 3 बार जो घोषणा हुआ है, तो 2 बार युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर हुआ है, और 1 बार जो हुआ है आपका सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हुआ है, यानी कि 3 बार अभी तक ये
राष्ट्रीय बात की घोषणा भी है। राष्ट्रपति शासन की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति शासन में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले कहां घोषणा किया गया था, तो सबसे पहले किया गया था दोस्तों पंजाब में। ये कब किया गया था, तो 1951 में ही घोषणा किया गया था। ये सबसे पॉपुलर प्रश्न है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और सबसे अधिक बार कहां हुआ है दोस्तों, तो सबसे अधिक बार आपका उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, मणिपुर हो गया, तीन जगहों में 10-10 बार अभी तक हो चुका है राष्ट्रपति शासन की घोषणा। तो इस भी याद रखिएगा। और राष्ट्रपति शासन में अभी तक अगर देखा जाए दोस्तों, तो 126 बार घोषणा की जा चुकी है। ये बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये बढ़ते रहता है देश की संख्या। ज्यादा पूछा नहीं जाता, सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहां लागू किया गया था, तो पंजाब में लागू किया गया था। अब यहां पर देखिए दोस्तों, तो द्वितीय आपात अभी तक एक बार भी घोषणा नहीं हुई है। 1951 में वित्तीय संकट हमारे देश में आई थी, मात्र कहा जाता है दोस्तों कि 15 दिन की ही हमारे देश को चलाने के लिए मात्र खजाना बचा हुआ था। तो उसी समय एक नई नीति लाई गई थी और जिसके तहत इसको भी टाल दिया गया, मतलब उसका समाधान निकाल दिया गया। इसी चलते यहाँ पर वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी घोषणा नहीं हुआ है। ये भी सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि वित्तीय आपात कितने अब तक घोषणा हुआ है, तो एक बार भी नहीं घोषणा हुआ है। तो ये ऑल ओवर पैकेज है दोस्तों, पूरा बुक आप पढ़िएगा, तो इससे बाहर नॉलेज बुक में भी नहीं मिलेगा। और अगर आप किसी इसका एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो इतना को आप पढ़ करके जाइए, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।